अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयशा सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत की बात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी क्या है, ये क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम लोग इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ केमिकल प्रेगनेंसी। तो इस चीज़ पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं प्रेगनेंसी में होता क्या है। प्रेगनेंसी में जो अर्ली हमारे डेज होते हैं, जिसे अर्ली प्रेगनेंसी कहते हैं, उस दौरान जो अंदर बेबी, आप लोगों की ज़ुबान में मैं अगर इसे बेबी कहूँ तो ठीक है, वरना मेडिकली इट इज़ एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो बनता है, बेबी मतलब बनता है, तो वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, मतलब बच्चादानी की जो लाइनिंग है उसके अंदर वो अपनी जगह बनाता है, चिपकता है। तो उसके चिपकने के साथ ही जो उसके कुछ सेल्स होते हैं वो बीटा एससीजी नामी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और बीटा एससीजी क्या है, बीटा एससीजी ही वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के अर्ली डेज में हमें सपोर्ट देता है प्रेगनेंसी को। अब वो बीटा एससीजी रिलीज करने लग जाता है, तो बीटा एससीजी इसीलिए स्टार्ट में जो है बहुत ही स्पीड से बढ़ता है। अगर आप जैसे आज बीटा एससीजी करवाएंगे, फर्स्ट करीब 50 आया है, और उसके बाद अगर आप 48 आवर्स पर रिपीट करवाएंगे तो वो वैल्यू डबल होगी। तो ये एक निशानी होती है हेल्दी प्रेगनेंसी की। अब जो अमूमन हम लोग घर में किट्स यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी चेक करने के लिए, जैसे यूरिन से हम लोग चेक करते हैं, तो उसके अंदर वो क्या डिटेक्ट करते हैं यूरिन में, यूरिन में बीटा एससीजी नामी हार्मोन रिलीज होता है जो प्रेगनेंसी में ही रिलीज होता है, उसी को ही चेक किया जाता है। इसी तरह जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसका तो नाम ही बीटा एससीजी है, ब्लड टेस्ट में भी यही हार्मोन चेक किया जाता है। यूरिन में फ़र्क ये है कि यूरिन में थोड़ा लेट आता है और ब्लड टेस्ट में जो है वो अर्ली डेज में ही बीटा एससीजी आ जाता है। तो ठीक है, अब आप सबने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि प्रेगनेंसी में होता क्या है। अब जब ये जो केमिकल प्रेगनेंसी है इसके ऊपर बात करते हैं, केमिकल प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, एम्ब्रायो उसी तरह चिपका है, ठीक है, उसी तरह प्रेगनेंसी हुई है, लेकिन बीटा एससीजी की सपोर्ट कम है, सही है। अब इसमें क्या है कि बॉडी जो है उस तरह रिएक्ट नहीं करती है जैसे उसे करना चाहिए। पहले तो ये एकदम से बीटा एससीजी बढ़ता है और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता जाता है, और बल्कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हेल्दी प्रेगनेंसी में क्या है, 48 आवर्स बाद देखेंगे तो अभी डबल ट्रिपल होगा, लेकिन केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब आप रिपीट करवाते हैं तो ये बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाता है, या फिर उस तरीके से नहीं बढ़ता है। जैसे 50 है तो अगर आप 48 आवर्स बाद करवाएंगे तो 60 होगा या 70 होगा, मतलब डबल नहीं होगा, या फिर 30 हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर उतनी स्पीड से नहीं बढ़ता है। तो ये एक निशानी होती है कि जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली वो केमिकल प्रेगनेंसी है। तो केमिकल प्रेगनेंसी में बॉडी जो है खुद ही उस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने लग जाती है, क्योंकि बीटा एससीजी की सपोर्ट ठीक से होती नहीं है। तकरीबन हर औरत को ही अपनी लाइफ में केमिकल प्रेगनेंसी होती होगी, लेकिन पता नहीं चल पाता, क्योंकि समझते हैं 2 या 3 दिन ऊपर हो गए पीरियड्स आ गए, चेक से वही करते हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं, उन्हें ये होता है कि ज़रा 1 दिन भी ऊपर हुआ वो लोग चेक कर लेंगे, 3-4 दिन भी ऊपर हुए वो लोग चेक कर लेते हैं, तो उन्हें एक पता चल जाता है कि हाँ हम प्रेगनेंट हैं। लेकिन जिन औरतों को कंसीव करने का नहीं है तो उन्हें पता भी नहीं चलता होगा कि कंसीव हुआ और अंदर केमिकल प्रेगनेंसी, वो बस ये समझती हैं कि लेट होकर मुझे पीरियड्स आ गए। तो ये बस केमिकल प्रेगनेंसी की कहानी है। और इसके अलावा अब काफ़ी औरतें जानना चाहती हैं कि इसकी वजह क्या है। वजह देखिए कुछ भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट वजह इसकी कुछ भी नहीं है। हो सकता है कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, तो एक कुदरत का निज़ाम है, जब कोई अंदर सही चीज़ नहीं बनने वाली होती है तो बॉडी उसे ख़त्म कर देती है, या फिर हो सकता है कि एग या स्पर्म वीक हो, तो उन केसेस में जो है केमिकल प्रेगनेंसी ज़्यादा हो सकती है, या एग मतलब एग या स्पर्म में से कोई भी एक चीज़ ठीक ना हो, लेकिन इसकी कोई ट्रीटमेंट की इसमें नीड नहीं होती है। बस अगर केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके बाद आप लोग अपने वही फॉलिक एसिड मल्टीवाइटमिन लेते हैं जब तक कंसीव नहीं हो जाता, और उसके बाद कंसीव होती है अपने डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन केमिकल प्रेगनेंसी को कोई भी बचा नहीं सकता है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि इस प्रेगनेंसी को एंड तक लेके जाए, इसका जो एंड है ना वो यही है कि आपको पीरियड्स लेट होकर आ जाएंगे, इस प्रेगनेंसी का कोई भी फ्यूचर नहीं होता है। तो ये है केमिकल प्रेगनेंसी। अगर इसके बारे में कोई भी आपके सवाल आते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे ग्रुप में पूछ सकते हैं। शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।